कि हम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज कर सकते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज कर सकते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। सो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना एक बहुत डिफ़िकल्ट थोड़ा सा टास्क हो जाता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कि हम एक्चुअल में कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करें जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि हम अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट किस किस बेसिस पे हम चूज़ कर सकते हैं। सो पहला जो कंसर्न आता है वो है ग्रेजुएशन के बेस पे। आप इफ सपोज़ आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप वो सब्जेक्ट्स भी अपने यूपीएससी ऑप्शनल के लिए लेके चल सकते हैं। सेकंड जो ऑप्शन आता है इंटरेस्ट। इफ सपोज़ आपने जस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए कर लिया बट आपको किसी सब्जेक्ट में एज अ खास इंटरेस्ट नहीं है सो और दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप उस सब्जेक्ट को भी लेके एज ऑप्शनल चल सकते हैं। थर्ड जो आता है ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग मींस कि हम अपने प्रीवियस या पास्ट रिजल्ट को देख के हम ये जज कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट लेने पे जो हमारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने टॉप किया है, अच्छा स्कोर किया है सो हम उस सब्जेक्ट्स को भी लेके चल सकते हैं एज अ ऑप्शनल। सो ये थ्री बेसिस हैं जिस पे हम अपना ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन। और हाँ, आपको एक बात ध्यान रखना है कि ऑप्शनल हमेशा हमें अच्छे से चूज़ करना है क्योंकि वो मेक और ब्रेक का ऑप्शन हो सकता है। सो चूज़ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट वाइसली एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।